बट इंडिया की एक और भी स्पेशल और फेवरेट रेसिपी तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं, जिसे कहते हैं सोयाबीन कढ़ाई। इसे बनाने के लिए हमें एक कप सोयाबीन सोक करके पानी में भिगो के रखा है, दो स्मॉल पोटैटोस, एक टमाटर, दो प्याज, 8 से 10 लहसुन, 5 चिलीज खड़े गरम मसाले में, 1.5 चम्मच धनिया, 5 लौंग, 1 टीस्पून काली मिरी, 1 टीस्पून जीरा, स्टार अनीस, बड़ी इलायची और जावित्री के 2 फूल और 2 टेबलस्पून बेसन। अब हम मसाला भूनने से स्टार्ट करेंगे। पहले हमें ड्राई मसाला को तवे पे ड्राई रोस्ट करना है, स्मेल आने तक इसको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना है। ग्रेवी के लिए भुना हुआ मसाला, 2 प्याज, लहसुन और प्याज मिर्ची एक साथ पीस लेंगे और टमाटो की अलग से प्योरी बना लेंगे। 2 बड़े टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिए। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून बेसन में हाफ टीस्पून से कम हल्दी डाला है, थोड़ा सा नमक डाल के बेसन को रेडी कर लिया है। अब हम इसमें सोक्ड सोयाबीन रोल करेंगे। सब सोयाबीन पे इवनली बेसन का कोट हो जाना चाहिए अच्छी तरह से। इसको हम रोल कर लेंगे। प्रेस कर करके हम इसको, क्योंकि सोयाबीन में रेसिडुअल पानी है जिससे ये अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। इस तरह से हमें कोट करना है और फिर ऑयल गरम करके उसमें डीप फ्राई करना है। सोयाबीन को हम अच्छी तरह से थोड़ा ब्राउन कलर आने तक ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इतना ही सोयाबीन डाले जितना कि इसमें आ जाए ऑयल में, ओवर नहीं डाले। सोयाबीन पे एक अच्छी कवरिंग आ गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसी ऑयल में हम पटेटो को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, हाफ कुक कर लेते हैं पटेटो को। इसी तरह से इसके ऊपर भी सोयाबीन का फ्लेवर आ जाएगा। आलू पे भी एक रेडिश कोटिंग आ गई है। हमें पूरा कुक नहीं करना है, हाफ डन करना है आलू को और इसे प्लेट में निकाल लेना है। गैस को मध्यम करके हमने जो मसाला प्रिपेयर किया था, ड्राई मसाला प्याज और लहसुन का, वो हम ऑयल में डाल देंगे और इसे धीमी आंच पे 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह पका लेंगे। स्लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से कुक करना है जब तक प्याज अच्छे से कुक नहीं हो जाता। मसाला ऑयल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो की पेस्ट, 1 टमाटो की पेस्ट चाहिए, 1 बिग टमाटो, और इसे भी 4 से 5 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। मसाला अच्छे से कुक हो रहा है और ऑयल बाहर सेपरेट हो रहे हैं, तब हम इसमें ड्राई मसाला ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला या एवरेज स्वीट मसाला, अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो रहा है मसाला से, दैट मीन्स
मसाला अच्छे से कुक हो गया है, अच्छा कलर आ गया है स्पाइस के। अब इसमें हम पहले ऐड करेंगे जो हमने आलू को फ्राई किया था, और मिला लेंगे इसको। एक से दो मिनट तक ऐसे ही मसाले में कुक होने दें ताकि मसाले का फ्लेवर आलू में आ जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारे फ्राइड सोयाबीन और अच्छी तरह से मसाले से अच्छे से कोट हो चुका है। अब हमें ग्रेवी उतना डालना है जितना आपको गाढ़ी चाहिए ग्रेवी। मैंने एक ग्लास पानी डाला है इसमें, पानी थोड़ा ज़्यादा डाली क्योंकि सोयाबीन भी पानी ऑब्जॉर्ब करता है। आप देख सकते हैं ग्रेवी अच्छी गाढ़ी हो गई है, ये और भी गाढ़ी होगी उतारने के बाद। तो अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट ऐड कर दीजिए और इसको एक से दो मिनट और सिमर होने दीजिए। ग्रेवी अच्छी थिक हो गई है, अब हम इसको सर्व करेंगे। अब देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रेवी है, थिक, और सोयाबीन पे एक अच्छा कोट आ गया। अब हम इसको कोरिएंडर या धनिया से गार्निश कर देंगे और इसे हॉट रोटी राइस के साथ एंजॉय करेंगे। थैंक यू।